नगर पालिका के हितग्राही सम्मेलन में सैकड़ों हितग्राहियों को सरकार की विभिन्न योजना का लाभ दिया गया, जिसमें पीएम आवास के हितग्राही जिनके मकान बनकर तैयार हो चुके हैं उनके खाते में अंतिम किस्त डाली गई। अब शेष 800 हितग्राहियों को भी जल्द योजना का लाभ मिलेगा। शनिवार को नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा प्रसारण भी LED स्क्रीन पर दिखाया गया। इससे पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने सरकार के कार्यों का बखान किया। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय ने की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, सांसद प्रतिनिधि धर्मेश जायसवाल, राम सिंह शेखावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष साधना जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष सज्जन सिंह शेखावत बतौर अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम में पीएम आवास के 400 हितग्राहियों को स्वीकृति राशि के प्रमाण पत्र, NULM योजना के 500 सहायता समूह को स्वीकृत राशि के प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री स्वरोजगार व आर्थिक कल्याण योजना के 25 हितग्राहियों को ऋण वितरण राशि, असंगठित मजदूर कल्याण योजना के तहत 5 हितग्राहियों को अनुग्रह राशि, प्रसूति सहायता में 4 हितग्राही, उज्ज्वला योजना के 3 हितग्राही, लाडली लक्ष्मी योजना के 3 हितग्राही व राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 2 हितग्राही को प्रमाण पत्र बांटे गए। इस तरह 1,76,00,000 रुपए की राशि के स्वीकृति पत्र बांटे गए। स्वागत करते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय सज्जन सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और संबोधित करें। माँ भारती को नमन करता हूँ, आप सबके श्री चरणों में नमन करते हैं। कार्य करते हुए प्रदेश को आदर्श राज्यों की श्रेणी में अग्रणी बनाने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहनों भाइयों। अब अपनी योजनाओं के बारे में अपनी बात कहने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। पहले वो आपसे बातचीत करेंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में जहां हितग्राहियों से सीधी बात। बहनों, अपने भाई की ओर से आप सबको राखी की शुभकामनाएं और अपनी बहनों की यह वचन भी देता हूं कि ये भाई जी जान से कोशिश करेगा कि अपनी बहनों को जिंदगी में कहीं कोई कठिनाई ना हो, उनका मान सम्मान लगातार बढ़े, ये कोशिश मेरी। एक अलग तरह का कार्यक्रम है। देखिए, मेरी जिंदगी का विषय भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य उद्देश्य है लोगों की जिंदगी बदलना। सरकार का काम होता है विकास का काम करना। हमने सड़कें बनाई, बिजली की व्यवस्था बेहतर की, पुल पुलिया बनाई, ओवर ब्रिज बनाए, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, ये तो बना नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी बनाना भी तो हमारा काम है बहनों और भाइयों। केवल पुल पुलिया बनाने से काम नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलना ये मेरी जिंदगी का मकसद है। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश एक तरफ विकास की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश की विकास दर 10% से ऊपर है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर उस विकास का प्रकाश गरीब की जिंदगी सबके पास नहीं है। हमारा सीधा लक्ष्य यह है कि जो नीचे रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो गरीब रह गए हैं,
उनको उनका हिस्सा देना। और ये कैसे होगा तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि कुछ लोगों ने कहा कि जिनके पास ज्यादा उनसे छुड़ा के जिनके पास नहीं है उनको दे दो, लेकिन ये वर्ग संघर्ष का रास्ता है, ये रास्ता सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमने दूसरा रास्ता निकाला कि भैया सरकार के पास जो पैसा है, बजट है, जो संसाधन है, उसमें गरीब का भी हिस्सा है, तो संसाधन से बड़ा हिस्सा गरीबों को सुविधाओं पे दे दो। देखो इस देश में कई लोगों ने नारे लगाए, कांग्रेस की सरकारों ने भी पहले नारे लगाए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, नारे तो लगते रहे, लेकिन बताओ मेरे बहनों और भाइयों, गरीबी हटी क्या? जोर से बताओ सब, गरीबी हटी क्या? गरीबी नहीं हटी। अब हम पट्टा देके उसको मालिक बनाएंगे, लीगल मालिक बनाएंगे, वैधानिक मालिक बनाएंगे। और अगर क्योंकि देखो शहर वाले तो काम धंधा करते ही हैं, गांव में रोजगार नहीं मिला तो गांव से निकल के शहर में आ गए, कहीं भी छोटी मोटी झुग्गी डाली, पन्नी दानी और रहने लगे, अपनी जिंदगी काटने लगे। तो हम आपको पट्टा देके मालिक बनाएंगे। एक बात, हाँ, सार्वजनिक उपयोग के लिए जगह की जरूरत होगी तो उसके बजाय दूसरी जगह देंगे। और शहरों में, खासकर शहरों में जगह की कमी होती है, और इसलिए हम अगर जगह नहीं मिली तो आपको पक्का मकान फ्लैट के रूप में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उस योजना के अंतर्गत आपको सम्मिलित करेंगे। तो पहली चीज, जमीन का टुकड़ा। शहरों में दिक्कत हुई, झुग्गियों में रहते, झोंपड़ियों में रहते, पन्नी दान करते, कठिनाई बिजली की बसर करते हैं, कैसी मुश्किलों में छोटे से गमले से झुग्गी के कमरे में कमरा क्या कहीं कमरा कर ही नहीं सकते, वहां मजबूरी में जिंदगी काटनी पड़ती है, मजबूरी में कटे जिंदगी, ये जिंदगी मजबूरी में नहीं कटेगी। 4 साल के अंदर अंदर आपको पक्का मकान का मालिक बना दिया जाएगा, पक्के मकान का। आप बताओ 370 शहर वालों, हर गरीब के पास पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो मैंने गरीब को मैं घर से आवाज की है, मैं गरीब की ताकत को जगाने का काम कर रहा हूँ। इस देश में बड़ी बेईमानी होती है गरीबों के साथ, वो बेचारे हमेशा घिसक घिसक के अपनी जिंदगी काटते रहे, मैं उनका हक उनको दे रहा हूँ और अपने हक के लिए उनको मेरे साथ खराब भी कर रहा हूँ। पक्का मकान गाँव में भी रहिए, शहर में भी रहिए, एक साथ सबको नहीं मिल सकता, तो हर साल उनके चले जाएंगे और बेटे चले जाएंगे। 4 साल में पक्का मकान का मालिक इस संबल योजना के अंतर्गत। आप बताया कि जिस योजना के अंतर्गत जो मजदूर पंजीकृत है एक्सीडेंटल बीमा, एक्सीडेंटल मृत्यु के अंतर्गत यदि दुर्घटना बीमा, जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उनको 4-5 रुपए मिलते, सामान्य मृत्यु के अंतर्गत 2 लाख रुपए का। ऐसे 5 हितग्राही जिनका पंजीयन था अप्रैल के बाद से, वो 5 मजदूरों की मृत्यु होने के कारण, हितग्राहियों की मृत्यु होने के कारण, आज हम 2-2 लाख रुपए के चेक उनको भी हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा दिलवाएंगे। ठीक इसी तरह से जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि प्रसूति सहायता के अंतर्गत 4,000 रुपए डिलीवरी से पहले और 12,000 रुपए डिलीवरी के बाद, इसमें जो 16,000 रुपए आज हम हमारी 4 बहनों को, और वो कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश, एक मजबूत मध्य प्रदेश, ऐसे मध्य प्रदेश की यदि किसी ने कल्पना करी तो वो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने करी। ऐसे शिवराज सिंह जी चौहान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें कि निश्चित तौर पर जन सेवक के रूप में वो मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए काम नहीं करती, एक विचारधारा को लेकर काम करती है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जिससे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और उन्होंने अपनी लाइफ में बोला है कि मैं जिंदा रहूंगा वहां तक गरीबों की सेवा करूंगा, ऐसा संकल्प लेने वाला पहला मुख्यमंत्री इस प्रदेश में बना है। भाइयों और बहनों, मैं आप सब
कि हमारी नगर पालिका ऐसे अनोखे अनोखे काम कर रही है और अभी हमारे भाई सज्जन बता रहे थे करोड़ों रुपए की सौगात, चाहे वो समूह में हो, चाहे व्यक्तिगत हित में हो, चाहे जन कल्याणकारी परम स्नेही जिनके दिल में हर गरीब का दर्द छुपा हुआ है, ऐसे मुख्यमंत्री जी को सुना। असंगठित क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले मजदूर भाई और बहन हैं, उनके जीने जीवन को संवारने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और नागा नगर पालिका परिषद आप सबकी उन आशाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है। आज इस हितग्राही सम्मेलन के अंतर्गत आपको वो समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ की जानकारी दी जाएगी। मेरे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा आपको कई जानकारियां दी गई है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके सहयोग समर्थन और आशीर्वाद से जब एक गरीब के बेटे को एक मजदूर के बेटे को मौका मिलता है और आपका आशीर्वाद मिलता है तो उन झुग्गी बस्तियों की भी काया बदलती है, उन क्षेत्रों में भी विकास के कार्य दिखते हैं। जब 25 वर्ष हमारी कलाइयों में आपसे राखी बंधवा पाएंगे कि नहीं बंधवा पाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी बधाई स्वीकार करें। एक बार इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आज लगभग 400 लोगों के खाते में पैसा डलेगा और इससे नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीएमओ साहब सारे पार्षदों के प्रति दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं केवल आपको इतना बताना चाहूंगा कि देखो देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। कई बार अशोक जी अपने भाषणों में कहते हैं, कांग्रेस के लोगों ने ऐसे आरोप लगाए, मुख्यमंत्री जी ने भी भाषण में कहा कि मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आप ये सोचो जो काम करेगा लोग उसे ही तो बोलेंगे। रजई ओढ़ के सोने वालों को कभी कोई उंगली उठाता है क्या, ये बताओ। कांग्रेस 50 साल तक राज करा और केवल रजई ओढ़ के सोते रहे, क्या कहते रहे हम गरीबी हटाएंगे, क्या कहते रहे 50 साल तक हम गरीबी हटाएंगे। गरीब हटता गया, गरीब मरता गया, गरीब और गरीब होता गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। अशोक जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, 1300 मकान, कितने मकान, 1300 मकान, 1300 मकान हम 1.5 साल में बना के देंगे और 700 मकान सीएमओ साहब हम और देंगे। 50 करोड़ रुपया हम 2 साल में देंगे गरीबों को, 50 करोड़ रुपया। कांग्रेस के मित्रों तुम बताओ, 50 पुश्तैनी काम कर रहा उसका कराओ, कोई केले बेचने वाला उसका कराओ, कोई राखी बेचने वाली मेरी बहन है उसका कराओ, कोई चूड़ी बेचने वाली मेरी बहन है तो उसका भी पंजीयन जरूर कराओ। ये धर्म का काम होगा, इसलिए धर्म का होगा कि अगर हमने किसी बेसहारा को सहारा दे दिया है इससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा। और अंत में एक निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 31 तारीख तक मतदाता सूची में नाम बढ़ेगा। 31 तारीख तक हमारी बहन बेटी उषा गुर्जर, ये कहां रहती है पता आपको? उषा गुर्जर जी कहां से जीती है? जहांपुर विधायक जी निवास करते हैं, लेकिन इनका नाम काटने का भी आवेदन दे दिया दिया कि बहन पूरे मोहल्ले का कांग्रेस के लोगों ने। कल मैं भी रात को मेरी धर्मपत्नी के साथ बैठ के और नाम देख रहा था, ऐसा नहीं मेरा नाम भी कटा दिया, रियल कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। और वो नाम नहीं मिला तो मैंने सज्जन को फोन लगाया 10:30 बजे रात को, मैंने कहा दादा मेरा नाम नहीं दिख रहा मतदाता सूची में। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए नाम अपना जरूर देखना, कोई बदमाश हमारा नाम नहीं कटा दे, ये चौकन्ना रहना। और जो 18 साल का हमारा भांजा या भांजी होगी उसका नाम जरूर जुड़ा देना, जरूर जुड़ा देना। और जब वोट डालने का मेरे को कई कांग्रेसी कहते क्यों तू वोट तो मांगता ही नहीं है, तो मैं उनका ये कहता हूं पागलों, जब दिलीप शेखावत का हाथ किसी बुजुर्ग के पांव में चले जाएगा और उस बुजुर्ग का हाथ मेरे सिर पे आ जाएगा, क्या वो छोड़ूंगा क्या? वो तो ले लूंगा आशीर्वाद के साथ में, बोनस के रूप में ले लूंगा। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में वोट हो। और अब तो सीएमओ साहब ने मुझे कहा कि 6 सेकंड बाद आपको यह भी पता लग जाएगा वोट मैंने किसको दिया है।
पिट करके आवाज आके 6 सेकंड बाद ये भी पता लग जाए अब चुनाव आयोग किस प्रकार के कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, राखी की फिर एक बार बधाई देता हूँ। और नगर पालिका के अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि अब हम वो सुनिश्चित करेंगे कि कोई प्रधानमंत्री आवास वाले को कहीं भटकना नहीं पड़े किसी भी कीमत पे, ये सुनिश्चित होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।